प्याज ही प्याज, उधर अंगूर की खेती और यहाँ प्याज की खेती होती है, काफी जबरदस्त है। और जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जहाज़ की दोस्ती गैंगवे तक है ना, जहाज़ पे आप लोग 9 महीने रहते हैं और वहाँ से उतरते ही गैंगवे के बाद दोस्ती ख़त्म, कोई किसी को नहीं फ़ोन करता। ये बात कुछ हद तक सही भी है, बट आज मैं आप लोगों को अपने एक ऐसे दोस्त से मिलाऊंगा जो मेरे साथ है तो काफ़ी मुझसे जूनियर, पर लड़का इतना अच्छा कि हमारी दोस्ती अभी तक जहाज़ से आने के बाद तक कंटिन्यू रही है। और आज मैं उसके साथ उसके गांव जा रहा हूं, तो ब्लॉग में एज सून एज पॉसिबल अपलोड करूंगा। पुणे जा रहे हैं हम, तो मिलते हैं सुजीत के गांव। गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं थोड़ा आज बाहर निकला यहां पे, रात को तो मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाया बिकॉज मेरे पास जो फ़ोन है वो रात में चलता नहीं है, और गाड़ी में बैठे बैठे हम लोग यहाँ आ गए तो कुछ खास मौका मिला भी नहीं मुझे। फिलहाल मैं हूँ, ग्रेप्स की खेती होती है यहाँ, देख सकते हैं जैसा कि काफ़ी सुंदर सा है खेत, और पता नहीं कमेंट में बताना कितने लोगों ने ग्रेप्स की खेती देखी है एक्चुअली में। ठीक है, ये काफ़ी मुझे सुंदर सा लगा एक्चुअली, मैंने इतने करीब से पहले कभी ग्रेप्स की खेत देखे नहीं थे। तो यहाँ पे ये ड्रिप इरिगेशन के लिए लगा हुआ है और काफ़ी सुंदर जगह है ये। सो थोड़े ही देर में यहाँ से निकलेंगे हम लोग, जाएंगे वापस। तो रास्ते में मैं कोशिश करूँगा कुछ अच्छे जो है कि ट्रिप, रोड ट्रिप की शूट करने की। काफ़ी ड्राई सा मौसम है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, बट मुंबई के मुकाबले मैं बताऊँ गाइस कम से कम 10 डिग्री टेम्परेचर कम है यहाँ पे। धूप में मैं खड़ा हूँ बट फिर भी उतनी टेम्परेचर नहीं लग रही है जितनी मुंबई में थी, हालत ख़राब हो गई थी। और काफ़ी क्वाइट, कोई कंपेरिजन नहीं है यार, ये मतलब इक्वी डिस्टेंट है। जितना पुणे है ना दूर, तो ये भी उतना ही दूर है मतलब मुंबई से। सो देखते हैं रोड ट्रिप में कुछ ढाबा वाबा पे कहीं खाना वाना खाएंगे तो वो भी शूट करने की कोशिश करेंगे। चलो ओके। ये ज़रूर दिखाऊंगा मैं ब्लॉग में कि कैसे चड्डी उतारी जाती है इमरजेंसी में लकड़े से। टाडा टाडा। चलो प्याज ही प्याज, उधर अंगूर की खेती और यहाँ प्याज की खेती होती है, तो काफ़ी ज़बरदस्त है महाराष्ट्र में, और इससे अच्छा क्या देख सकते थे एक ही छोटी सी जगह पे। बाजरे का खेत, और यहाँ पे एक आप जैसे देख सकते हैं एक छोटे से गांव पे हूँ मैं, तो यहाँ जो घर दिख रहा है आपको यहाँ पे, अब ये एक ऐसा फॉरेन में जैसा होता था ना कि जो किसान होते थे एक घर बनाते थे और उसके आसपास लैंड जो रहती थी, और जो टिपिकल गांव होता है कि गांव एक जगह फिर खेत गाँव के बाहर होता है, तो वहाँ वो चीज़ अब हट के महाराष्ट्र और पंजाब के गाँव में अब कैसा हो गया ना कि अब लोग ऐसा टाइप का बना रहे हैं कि मतलब एक सुंदर सा घर बना लिया थोड़ा आगे रखने के लिए, जैसे ये देखिए स्टोरेज बना रखा है प्याज के लिए, तो काफ़ी सुंदर सा ये सेटअप है। एक दो नारियल का पेड़ लगा लिया घर के आगे, देखिए वहाँ पे जैसे, तो ये सिस्टम जो है ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। बिकॉज इसका मेन कारण क्या है कि अब सेफ्टी और सिक्योरिटी पहले जैसी रह नहीं गई, अब बहुत अच्छी हो गई है, तो अब लोग दूर दूर भी रह के सेफ महसूस करते हैं, और वही कारण है कि अब लोग ऐसे घर बना के फ्री एकदम से हवा, मतलब जो है ना खुला खुला एनवायरनमेंट रहता है,
तो ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। आई होप मेरे गांव में भी अब ये सिस्टम लोग अडॉप्ट करें, जो कि कर भी रहे हैं, बट दिस इज व्हाट आई वांट व्हेन आई ग्रो ओल्ड एंड व्हेन आई रिटायर। उसके नानी के यहाँ थे, उसके बाद मौसी के यहाँ पे रुके, अब ये इसका प्रॉपर गांव है, गांव का घर है, और घर जो है ना बहुत ही लाजवाब, बहुत ही फैंटास्टिक, जितनी बड़ाई की जाए कम है, सपनों का घर। फ्रेश मुझे चीकू मिलने वाला है, ठीक है, चीकू के पेड़। सो नाइस, अब एक तो खा के जाएंगे हम। Living life every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen. लगता है आज कुछ मिल ही गया। Fresh from the trees. और इन सब के बीच मैं और मेरा भाई, छोटा भाई। बस बस सही हो तभी तोड़ना। So sweet, जबरदस्त। लाइफ में मैंने बहुत कम ही ऐसे फल खाए हैं जो इतने स्वीट होते हैं। तो ये मैं बोल सकता हूँ मेरी लाइफ का सबसे स्वीटेस्ट फ्रूट है, जिसका नाम है चीकू। और आई डोंट नो कैसे यहाँ पे इतना स्वीट होता है ये, क्योंकि ये गन्ने से भी ज़्यादा स्वीट लग रहा है, जिससे लिटरली शुगर बनता है उससे भी ज़्यादा स्वीट है। अब कोई कसम खानी होती तो मैं खा के बता देता, लेकिन ये लिटरली बहुत ज़्यादा स्वीट है। मज़ा आ गया।